आप लोग देखते होंगे कि हर साल आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और इस साल भौतिकी में तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स में। इसमें आप देखेंगे कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लोजर को और आप देखेंगे एंटोन जिलिंगर को भौतिकी में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया है। तो ये आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, कौन है ये? एलेन एस्पेक्ट। और ये कौन है? जॉन एब क्लोजर। और ये कौन है? एंटोन जिलिंगर। ठीक है, यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, एक सामान्य जानकारी आप लोगों को नोबेल पुरस्कार के बारे में दे देते हैं। और उससे पहले आप सभी जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुने होंगे, उन्हीं की वजह से ये पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड वर्नहार्ड नोबेल एक स्वीडिश रासायनिक इंजीनियर, आविष्कारक, व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति थे। और उन्हें नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए अपने जो उनकी वसीयत थी वो उन्होंने दी थी और उसी वजह से ये शुरू हुए हैं। और इन्हें आप देखिए कि नोबेल पुरस्कार का अभिदाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल पुरस्कार का दाता भी कहते हैं। और डायनामाइट की आविष्कारक भी है अल्फ्रेड नोबेल। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और 10 दिसंबर 1896 में इटली में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो 1901 से ये शुरू हुए थे, लेकिन जो इकोनॉमी का आप लोग देखते हैं ना, अर्थव्यवस्था का, ये पहली बार 1969 में दिया गया था। और बाकी की आप देखिए कि आपके 1901 से शुरू हो गए थे। और जैसे आप देखिए, रसायन विज्ञान हो, भौतिकी हो, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है लोगों का, उन्हीं लोगों को ये दिया जाता है। और देखिए, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी के सभी आपके पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। तो भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी स्वीडन में ही मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बाकी अब इन तीनों लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2022 का, जैसा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा जॉन एफ क्लोजर, एलेन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिकी में इनके कार्य के लिए दिया गया है। हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ ले कि इन्हें किस काम के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो क्वांटम यांत्रिकी में इनके कार्य के लिए। और 2021 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इसको कोरो मनाबे और क्लोज हैसलमैन संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया था, जलवायु मॉडल पर उनके शोध के लिए। और जियो पेरेसी को भौतिक प्रणाली में विकार तथा उताव चढ़ाव की परस्पर क्रिया पर उनके कार्य हेतु प्रदान किया गया था। और फिजियोलॉजी या मेडिसिन में आप देखते हैं कि 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांते बाबो को मिल चुका है, विलुप्त होमिनिन के जीनोम और मानव विकास में शोध के लिए प्रदान किया गया है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा भी था, उनके बारे में भी जाना था। अगर हम लोग क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम इंटेग्रमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करें, तो यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो विभिन्न निकायों की गति और परस्पर क्रिया से संबंधित है। और यांत्रिकी के दो भाग हैं, एक क्लासिकल और ये दूसरे आप देखेंगे क्वांटम। क्लासिकल या न्यूट्रोनियन यांत्रिकी माइक्रोस्कोपिक वस्तुओं की गति और उन्हें प्रभावित करने वाले बलों का गणितीय अध्ययन है। क्वांटम यांत्रिकी की बात करें तो भौतिकी का एक उपक्षेत्र है जिसके अंदर कणों, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटोन के व्यवहार और आणविक एवं उप आणविक क्षेत्रों में लगभग हर आयाम का वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्वांटम सिस्टम के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण अंतर क्लासिकल रिजिड निकायों की तुलना में इंटेग्रमेंट की अवधारणा है। क्वांटम इंटेग्रमेंट एक ऐसी घटना है जिसके अंतर्गत वो परमाणु कणों की एक जोड़ी को साझा अवस्था में रखा जाता है जहां इनके पूरक गुण होते हैं, और ऐसे में कोई भी एक कण के गुणों को जानकर स्वतः ही दूसरे कण के गुणों को जाना जा सकता है। और यह सच है कि भले ही दोनों कणों को कितनी दूर के लिए वो ना ले ले जाया जाए, क्वांटम इंटेगलमेंट को पहली बार 1935 में इरविन
सरो डिंगर द्वारा स्पष्ट किया गया था और जिसे आगे चलकर उनके कैट पैराडॉक्स के नाम से जाना गया है। अब आती है आपकी वेल इन इन इक्वालिटी, ये क्या है? तो 1960 के दशक में जॉन स्टीवर्ट बेल ने गणितीय असमानता बेल असमानता विकसित की और जिसमें कहा गया कि यदि कई कहीं अस्पष्ट वेरिएबल्स हैं तो बड़ी संख्या में माप के परिणामों के बीच सह संबंध कभी भी एक निश्चित मूल्य से अधिक नहीं होगा। और क्वांटम यांत्रिकी बताती है कि किसी निश्चित प्रकार का प्रयोग बेल वेल की असमानता के नियमों का उल्लंघन करेगा और जिसके परिणाम स्वरूप अन्यथा संभव होने की तुलना में एक मजबूत सह संबंध होगा। और प्रयोग की अगर हम लोग बात करें तो विजेताओं को उलझे हुए प्रोटोनों क्वांटम एंटेंगलमेंट के साथ उनके प्रयोगों वेल असमानताओं के उल्लंघन और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए सम्मानित किया गया है। जॉन एफ क्लोजर ने जॉन वेल के विचारों को विकसित किया है और जिससे एक व्यवहारिक प्रयोग हुआ है और जिससे स्पष्ट रूप से वेल असमानता का उल्लंघन करके क्वांटम यांत्रिकी का समर्थन किया है। और इसका अर्थ है कि क्वांटम यांत्रिकी को एक सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है जो छिपे हुए वेरिएबल्स का उपयोग करता है। एलन एस्पेक्टर ने यह सेटअप विकसित किया है और इसका उपयोग इस प्रकार से किया जिससे एक महत्वपूर्ण खामी को दूर कर दिया है और एक को उलझे हुए युग्म के अपने स्रोत छोड़ने के बाद वह माप सेटिंग्स को स्विच करने में सक्षम हुए और इसलिए उत्साहित होने पर मौजूद सेटिंग परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकती है क्योंकि जॉन क्लोजर के प्रयोग के बाद उसमें कुछ खामियां बनी रही हैं। एंटोन जिलिंगर को क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे अनुसंधान और अनुपयोग दोनों में उलझाओ एवं वेल युग्मों के नवीन उपयोग के लिए चुना गया है। उनके शोध समूह ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन नामक एक घटना का प्रदर्शन किया है जो क्वांटम अवस्था को एक कण से दूसरे दूरी पर स्थानांतरित करना संभव बनाता है। इस प्रयोग की अगर हम लोग महत्व की बात करें तो प्रायोगिक उपकरण के विकास में क्वांटम सूचना पर आधारित प्रौद्योगिकी के एक नए युग की नींव रखी है और यह क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण में माप सुधार क्वांटम नेटवर्क बनाने सुरक्षित क्वांटम इनक्रिप्टेड संचार और सटीक टाइम कीपिंग स्थापित करने के लिए कण प्रणालियों के विशेष गुणों का उपयोग करने में मदद करेगा जैसा कि परमाणु घड़ियों में किया जाता है। तो ये ओवरव्यू हो गया आपका किसका, फिजिक्स में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर से आपको बता देते हैं इसमें आपके कौन कौन शामिल हैं। एक तो आप देखते हैं कि आपके एलन एस्पेक्ट शामिल हैं इसमें, दूसरे आप देखेंगे जॉन एफ क्लोजर शामिल हैं और तीसरे आप देखेंगे एंटोन जिलिंगर को भौतिकी में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यह जरूर आप लोग याद रखिएगा और इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना आप देखते हैं कि बनी रहती है पुरस्कारों से। फिर चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विस की, चाहे स्टेट पीसीएस की, चाहे और भी वन डे एग्जाम होते रहते हैं, सेंट्रल लेवल पर भी होते रहते हैं और आपकी स्टेट लेवल पर भी होते रहते हैं, तो याद रख लीजिएगा इन्हें। चलिए और भी जो बाकी है आपके नोबेल पुरस्कार उनके बारे में भी हम लोग एक एक करके बात कर लेंगे।